नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में अगले 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, उमस भरी गर्मी से होगी परेशानी। राजधानी रांची सहित आसपास के कई इलाकों में होली के त्यौहार पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, उमस थोड़ी और बढ़ने का आसार है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में धीरे धीरे अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। 24 मार्च से लेकर 29 मार्च यानी कि 5 दिन तक आसमान में बादल रहने के आसार हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में रांची सहित आसपास के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं पर न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 44% तथा न्यूनतम 28% दर्ज की गई। धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ शहर के वातावरण में उमस बढ़ने के आसार हैं। झारखंड सरकार का आदेश, केरल और महाराष्ट्र से आने वालों को 72 घंटे में दिखाने होगी जांच रिपोर्ट। केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश के 72 घंटे के अंदर या तो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या उन्हें आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को उन्होंने इस बाबत एक पत्र भेजा है, जिसमें हवाई मार्ग के साथ साथ बस या ट्रेन से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की कोविड जाँच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को विदेशों से आने वाले लोगों की गहन निगरानी का निर्देश दिया है। कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों के साथ साथ उनके कॉन्टैक्ट की जांच 24 घंटे के अंदर की जाए। इसमें पॉजिटिव पाए गए मरीजों के सैंपल आईएलएस भुवनेश्वर भेजकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाए, ताकि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का पता लगाया जा सके। झारखंड में नशीले पदार्थ हुआ बैन, पकड़े जाने पर देना होगा भारी जुर्माना। बता दें कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 21 साल से कम उम्र के युवाओं को बीड़ी सिगरेट पीने, कैंडी खाने और बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते पकड़ा गया तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 200 रुपये के जुर्माना का प्रावधान सरकार ने इसे कानून के रूप में दिया है। गड़बड़ी को रोकने के लिए झारखंड सरकार ऑनलाइन बेचेगी बालू, 100 सीएफटी के लगेंगे 785 रुपये। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को बालू खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में ऑनलाइन माध्यम से जरूरतमंदों के घर बालू पहुंचेगा। इसके लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से पैसा जमा करना होगा। करीब 785 रुपये प्रति 100 सीएफटी और परिवहन शुल्क के आधार पर सभी के घर बालू पहुंचाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी कहा कि मामला पहले से सामने आया है और इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार बालू की चोरी और लूट की बातें सुनकर उन्हें मानसिक रूप से परेशानी होती है। झारखंड समेत पूरे देश में 30 अप्रैल तक ये कड़ाई लागू, गृह मंत्रालय का निर्देश। झारखंड समेत देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस महामारी के मामलों पर फौरी नियंत्रण हासिल करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कड़ाई पूरे देश में प्रभावी होगा। नए निर्देशों के मुताबिक 1 अप्रैल से 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टेस्ट, केस ट्रैकिंग और पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की कड़ी हिदायत दी गई है। इसके साथ ही झारखंड में भी गृह मंत्रालय के ताजा आदेश लागू हो गए हैं। अब कोरोना को लेकर अधिक सतर्कता बरतना जरूरी है। इधर झारखंड सरकार ने भी होली को लेकर परिवहन और त्योहारी सीजन के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्र की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने हिसाब से स्थानीय इलाके में जरूरी प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। नए गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन राज्यों में आरटीपीसीआर जांच का अनुपात कम है उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70% या उससे अधिक करना होगा। खबर है झारखंड के गोड्डा से। तालाब खुदाई के दौरान मिला प्राचीन सभ्यता का अवशेष। गोड्डा सदर प्रखंड के मोतिया ओपी क्षेत्र के कथा टीकर मोजा में बुधवार को जेसीबी मशीन से तालाब खुदाई के दौरान प्राचीन कालीन ईंट व कुआनुमा अवशेष मिलने से इलाके में पुरातत्व साक्ष्य के प्रमाणित होने का दावा किया जा रहा है।
मोतिया निवासी बिरबल सिंह ने बताया कि गोड्डा भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के डुमरिया गांव से मोतिया जाने वाली मुख्य सड़क पर नील झील नदी से सटे बहियार में अदानी पावर की ओर से मत्स्य पालन को लेकर कुछ दिनों से तालाब खुदाई का काम किया जा रहा था। बुधवार को जमीन में करीब 10 फीट की खुदाई के दौरान जेसीबी ड्राइवर टू कुमार ने प्राचीनतम ईंट से निर्मित अवशेष देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी मिलते है स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इधर अवशेष से निकली ईंट के आकार प्रकार को लेकर स्थानीय लोग इसे हजारों वर्ष पूर्व की ईंट बता रहे हैं। बता दे कि ईंट का आकार वर्गाकार है जो 1 फीट है। गोड्डा से एक और खबर सामने निकल कर आया है। गोड्डा स्टेशन से अप्रैल में ही ट्रेन चलने का आसार है। जिला वासियों को अब भी गोड्डा से रेल परिचालन को लेकर और इंतजार करना पड़ेगा। सीआरएस में जिस तरह रेलवे महकमा ने तत्परता दिखाई थी, कयास लगाया जा रहा था कि जल्द ही यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह में गोड्डा से रेलगाड़ी चलने शुरू हो जाएगी, लेकिन सीआरएस के 15 दिन बीत जाने के बाद जिस तरह से मालदा डिवीजन व रेलवे बोर्ड ने सुस्ती दिखाई है, इससे जिला वासियों को निराशा हुई है। ऐसे में अब पूरी संभावना है कि मार्च में गोड्डा से रेल नहीं चल पाएगी। लोगों को यह उम्मीद थी कि होली के पहले रेल सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन रेलवे की निष्क्रियता से लोगों को निराशा ही हुई। वहीं रेल स्टेशन आए एक व्यक्ति ने कहा कि रेलवे को सीआरएस से मतलब था, वह हो गया, रेल कब चलेगी यह बताने वाला कोई नहीं है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। 66,000 विद्यार्थियों के अकाउंट में भेजी गई पोशाक की राशि। पाकुड़ जिले में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के बैंक खाते में पोशाक की राशि भेजी जा रही है। झारखंड समग्र शिक्षा अभियान डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते में पोशाक की राशि भेजी जा रही है। अब तक 66,194 विद्यार्थियों बैंक खाते में ऑनलाइन डीबीटी के जरिए पोशाक की राशि हस्तांतरित कर दी गई, जबकि 6,000 बच्चों की पोशाक राशि का डाटा ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया में है। 66,194 बच्चों को उनके खाते में ऑनलाइन डीबीटी से 3,16,400 रुपये हस्तांतरित कर दिया गया है। खबर है झारखंड के खूंटी से। अब तक 3175 किसानों को मिल चुका है कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के किसानों के 50,000 तक का कृषि ऋण 1 रुपये जमा कराने के बाद माफ किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक जिले के कुल 3175 किसानों को ई केवाईसी हो चुका है। इन किसानों के सारे आवश्यक कागजातों की जांच पूरी कर उपायुक्त द्वारा इनके आवेदन FTO यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर के लिए अग्रसित किया गया है। इन किसानों का कृषि ऋण माफ हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक कर्रा के 977 किसान और सबसे कम रनिया के 74 किसान हैं। इसके अलावा 4,825 किसानों के आवेदन प्रक्रिया में है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रज्ञा केंद्रों में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ रहा है। इसके लिए किसान प्रज्ञा केंद्रों में जाकर अपने नाम का ऋण राशि की जानकारी ले रहे हैं। ऋण राशि की जानकारी लेने के बाद किसानों के राशन कार्ड और आधार कार्ड रियल टाइम बेसिस पर जाँच की जा रही है। जांच में आवेदन सही पाए जाने पर किसानों के पास मैसेज आ रहा है। इसके बाद किसानों के आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के पास सत्यता की जांच के लिए पूछ रहा है। किसान की वास्तविकता की जांच करने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी आवेदन को उपायुक्त के पास अग्रसरित कर रहे हैं। इसके बाद उपायुक्त जांचों उपरांत किसानों के आवेदनों को ऋण माफी योजना का लाभ दिलाने के लिए भेज रहे हैं। खबर है झारखंड के चतरा से। कोल वाहन ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा, एक की मौत। बुधवार सुबह कोयला वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक की मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मिश्रौल गांव के आजाद नगर से एक शादी समारोह में शिरकत कर 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर टंडवा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान तेलियाडी के समीप एक कोयला वाहन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मोहम्मद अली व मिस्टर अंसारी घायल हो गए। आनंद फानवे पुलिस व ग्रामीणों की मदद से उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। रास्ते में 75 वर्षीय मोहम्मद अली की मौत हो गई। मृतक बालूमाथ थाना क्षेत्र के जिलगा गाँव का रहने वाला था। थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक भागने में सफल रहा। खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला के टांगीनाथ धाम जाने वाली सड़क खराब, विधायक ने हेमंत सरकार से की बनाने की मांग। प्राचीन धरोहर और धार्मिक स्थल टांगीनाथ धाम तक जाने वाली सड़क खराब है। जगह जगह गड्ढा है, बरसात में कीचड़ और तालाब बन जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को मुख्य पथ के प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर तक पहुंचने में परेशानी होती है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में टांगीनाथ धाम है। यह 7वीं और 9वीं शताब्दी का है। यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यह धार्मिक स्थल के अलावा गुमला जिले के प्रमुख स्थल भी है। लाखों लोगों की आस्था को देखते हुए यहाँ जो भी कमी है उसे दूर किया जाए। खबर है झारखंड के पलामू से। पलामू में पहुंचा 8,000 डोज
कोविड-19 का टीका। बुधवार की दोपहर में जिले को राज्य स्तर से 8000 डोज वैक्सीन उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने कहा कि देर रात तक और 8000 डोज जिला में आ जाने की संभावना है, यानी कि कुल 16000 डोज जिला को मिलेगा। फिलहाल जिले में पंचायत स्तर पर कोविड-19 का टीकाकरण चल रहा है। इसमें 60 साल से ऊपर और 45 से 60 साल के बीच वैसे व्यक्ति जो किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, वैसे लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। बुधवार को दवा कम कर रहने के कारण कुछ पंचायतों में कम विद्यार्थियों को टीका मिल पाया। उन्होंने कहा कि बुधवार की दोपहर में जैसे ही 8000 डोज जिला को प्राप्त हुआ, वैसे ही जिन पंचायतों में दवा की आवश्यकता थी वहां उपलब्ध करा दिया गया है। खबर है झारखंड के सिमडेगा से, टीबी उन्मूलन के लिए महाअभियान की जरूरत, सोन ने कहा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन ने कहा कि यजमा उन्मूलन के लिए निर्धारित 2025 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म कार्य योजना बनाना जरूरी है। समय आ गया है कि यजमा उन्मूलन हेतु एक महाअभियान के रूप में व्यापक रूप से जन आंदोलन चलाया जाए। उन्होंने राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के यजमा रोगियों को ससमय पोषण सहायता राशि उपलब्ध कराने की हिदायत दी। कहा कि यजमा उन्मूलन के लक्ष्य को स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य सहभागी क्षेत्रों तथा जन समूह के सामूहिक प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।